देखिए, ये किताब खोखली सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए है। जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। हाथ में संविधान लिए राहुल गांधी ताबड़तोड़ बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र झारखंड के दंगल में भी राहुल अपने पुराने अंदाज में बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। और जब मोदी समेत पूरी बीजेपी ने राहुल के हाथ में दिख रहे संविधान पर सवाल उठाए, तो राहुल गांधी ने पलटकर ऐसा करारा जवाब दिया जिससे बीजेपी के मंसूबे धरे के धरे नजर आ रहे हैं। सुनिए मोदी के हमले पर कैसे राहुल ने करारा पलटवार किया। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग लाल किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। कहते हैं कि ये खोखली किताब है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। ये देखिए, ये किताब खोखली सिर्फ आरएसएस के कार्यकर्ताओं के लिए और बीजेपी के लोगों के लिए है। हमारे लिए ये इस देश का डीएनए है। सुना राहुल ने कैसे मोदी का कोरे पन्नों लाल किताब का बम डिफ्यूज कर दिया। और झारखंड के बाद महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने मोदी सरकार समेत सूबे की एनडीए सरकार को ललकारा। अमरावती में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने न केवल संविधान दिखाकर पीएम मोदी को ललकारा, बल्कि अडानी का नाम लेकर भी बीजेपी सरकार को ऐसा घेरा जिससे महाराष्ट्र के दंगल को और गर्म कर दिया है। जिस मीटिंग में अडानी जी बैठे थे, अमित शाह जी बैठे थे, जो सरकार चोरी करने की मीटिंग थी, जिस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एमएलएस को खरीदा जाएगा, करोड़ों रुपए के लिए खरीदा जाएगा, क्या जब अमित शाह जी और बीजेपी के लोगों ने यह मीटिंग की, जब उन्होंने आपकी सरकार खरीद कर आपसे चोरी की, क्या वो संविधान की रक्षा कर रहे थे? पिछली सरकार गिराने को लेकर हमला कर राहुल गांधी यही नहीं रुके। उन्होंने एक बार फिर अडानी का नाम लेकर बीजेपी पर हमला बोला और बताया पिछली सरकार गिराने के पीछे बीजेपी का क्या मकसद था। वो सरकार धारावी के कारण चोरी की गई थी, क्योंकि बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह धारावी की जमीन महाराष्ट्र के गरीब लोगों की जमीन, 1,00,000 करोड़ रुपए की जमीन अपने मित्र गौतम अदानी को देना चाहते थे, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार आपके हाथों से चोरी की गई है। गौरतलब है कि झारखंड हो या महाराष्ट्र, राहुल गांधी ने धारावी और अडानी के कनेक्शन को सियासी हथियार बनाकर चुनावी संग्राम के सियासी पारे को आसमान पर चढ़ा दिया है। बीजेपी तो राहुल के हमलों पर सफाई देने में जुट गई है और इस हमले से अडानी के शामिल न होने की सफाई दे रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है, संविधान और अडानी को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है? महाराष्ट्र के चुनाव में उसका असर क्या होगा, ये हमें कमेंट करके बताएं। और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।